हमारे चैनल जिसका नाम है क्यूट फैमिली, तो आप देख सकते हो। जो भी आने के लिए कह रही है, तो आज जो है बोलने से पहले ही ठोक देती है। तो अभी तो हम लोग सब पी चुके हैं, तो अभी जो हम जा रहे हैं सारा काम कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हो कितने भयंकर तरीके से हमारा घर फैला हुआ है और सारा सामान इधर उधर रखा हुआ है। अभी जो हम करने जा रहे हैं घर का सारा काम, और सब बढ़िया। जैसे आज ओ लाइट की वजह से चेहरा बहुत साफ दिखाई दे रहा है। मेरे कैमरे की क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसलिए हम कभी कभी काले दिख जाते हैं, तो कभी कभी कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद आ जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं सर घर का सारा काम करने, तो चलो चलते हैं। सो गाइस, ये जो है मैंने बाकी की चीज़ें निकाल दी हैं, अब जा रही हूँ मैं बेड साफ करने, क्योंकि बेड साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरा बेड जो है आधा चल चुका है और थोड़ा सा गंदा भी कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसलिए मैंने सोचा लो बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो जादू तो चलता ही रहता है, तो बेडशीट दो मिनट में भी चेंज हो सकता है, देख सकते हो चेंज हो गया। तो चेंज करने के बाद जो है मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइट रखती हूँ बेडशीट, क्योंकि बहुत जल्दी ना मेरा बेड समिट जाता है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहीं पर हो जाता है मेरा बेड बिल्कुल परफेक्ट, जैसे देख दो कहीं कहीं भी छेद है, मैंने पहले ही बोला था आप लोगों से, कहीं कहीं छेद हो ही जाता है। इसे कह रही है कि मत करो काम, और ये डस्टिंग कर रही है पूरे घर में अच्छे से, देख सकते हो क्या हो गया। और अभी जो इधर भी बाकी है, सी अच्छे से सब चीज़ हो चुका है, देख सकते हो। और ये भी हो चुका है, यहाँ से सब फाइनली है। सो अच्छे से डस्टिंग वगैरह हो रही है, अब लगाना बाकी झाड़ू। अब जो है मेरा फ्रिज जो है आप देख सकते हो साफ आफ हो रखा है, और ये फ्रिज की हालत है, मतलब बहुत अच्छी हालत है। सबसे ऐसे ही मैं रखती हूँ फ्रिज डेली का। सो कैसा लगा आप लोगों को मेरा फ्रिज खुला है, ज़्यादा खुला छोड़ नहीं सकती, नहीं तो गैस ख़त्म हो जाएगी। सो मैं इस तरीके से रखती हूँ फ्रिज को, ये मैंने इसलिए रख रखा है ना, ताकि ये जो है ना बारिश में, वहाँ से बारिश आती है तो गीला हो जाता है, तो डर के मारे, और जगह तो अभी है नहीं हमारे पास इतनी, तो इसलिए मैंने इसको झांक रखा है इधर से भी। सी इतना तक कब लगाएगी, एक घंटा हो गया। हाँ दिख रहा है, झाड़ू नहीं लगी है, बताओ ना बाहर ना अंदर टंकी लगी झाड़ू। हाँ तुम्हारे की फालतू है। हाँ लगड़ लगड़ के झाड़ू लगा रही हैं, ये देखो देख लो गाइस, ये लगड़ लगड़ के झाड़ू में लगाती है। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ किचन साफ करने, सबसे पहले मैं करूँगी गैस साफ, क्योंकि गैस ना कुछ ज़्यादा ही मेरी, एक तो ब्लैक कलर है, ऊपर से बहुत जल्दी गंदी दिखाई, धूल मट्टी सब आ जाता है इस पर, और बारिश में तो वो बारिश में करें हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा मतलब गंदा दिखता है एकदम ऐसा लगता है जैसे चार महीने में से मैंने साफ़ ही नहीं किया हो। और साफ अफ करने के बाद मैं इसमें थोड़ा बारिश वगैरह में सब गीला हो जाता है, इसलिए बहुत टेंशन सी होती है। तो खैर कोई नहीं, मैं लेकिन फिर भी सफाई कर देती हूँ। तो ये आप देख सकते हो मैंने कितने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है, दो बर्तन थे धो दिए ख़त्म, यहीं पे मेरा लग जाता है पोछा। तो पोछा जो है मेरी बहन ने खुद ही लगा दिया है, क्योंकि मैंने लगाया नहीं था, और पूरा घर साफ एकदम मस्त चकाचक। और मेरी बेटी जब खेल रही है, सो गाइस मेरी बेटी जो कुछ ज़्यादा ही खेल रही है, ओह कुछ ज़्यादा ही कह रही हूँ, मतलब कुछ ज़्यादा ही शरारती हो गई है मेरे, मैं कपड़े फोल्ड कर रख रही हूँ तो कह रही है नहीं मैं नहीं करने दूँगी, तो अपनी बनियान लेके खुद ही खेलने लग गई है। और अपना बाबू जो इसका पड़ा है मियाँ पीछे, तो मियाँ के साथ खेलती है, और मेरा दूध तो बिल्कुल नहीं छोड़ती है, और मैं क्या करूँ लेकिन खैर कोई नहीं। और मैडम जी की हंसी तो इतनी अच्छी है कि क्या बताऊँ, कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती इसकी हंसी क्या। तो गाइस हम जा रहे हैं खाना खाने, इसमें है रोटी, हाफ बॉयल चावल, तोरी की सब्जी और अरहर की दाल, और ये रही प्लेट वाली। और एक चीज़ दिखाऊँ, कैसा लगा कैसा लगा कैसा लगा, कैसे खुद इसमें क्या है आइसक्रीम, मैं कल अपनी बेटी के लिए लेकर आई थी इसे, और इसमें आइसक्रीम थी तो मैंने इसमें चटनी रख दी, बहुत प्यारा लग रहा था। ये 50 रुपये का दिया था, यकीन करोगे, सिर्फ ओनली फॉर 50 रुपये का, वाह क्या बात है, इसमें चटनी है और कितना क्यूट भी तो लग रहा है ये देख, है ना। अब खाएंगे उसमें, हालांकि चटनी है टमाटर की, अभी मेरी बहन ने बनाई है। कैसा लग रहा है रोशन, बता ना कैसा लग रहा है, थोड़ा सा तो बता। ये हमारा जो है दोपहर का खाना चल रहा है, क्योंकि थोड़े से चावल थे, ओह चावल इतनी दूर होते तुम्हें, और मेरी बाबू छोरी है, और हाँ ठीक है जो भी है, अब हम देंगे आपको सीधा खाने खाने के बाद। आप देख सकते हो शाम हो चुकी है, तो शाम होने के साथ साथ मैं बनाने जा रही हूँ किचन के अंदर, आप देख सकते हो
ये उबले हुए आलू हैं जो उबल चुके हैं, मैंने पहले से चढ़ा दिए थे। और ये लाल मिर्च, ली टमाटर, धनिया, मेरा प्याज तो नहीं जल गया कहीं, ना 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 ना, ना। इसमें तीन चीज़ें हैं, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और यह कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर। और मैंने पहले से समझ गए होंगे मैंने क्या क्या डाला है, तो पहले मैं इसके अंदर ही ये सब डाल दूँगी थोड़ा सा। और बर्तन तो मेरे बाकी सारे गंदे हो गए हैं क्योंकि मैंने दोपहर के बर्तन धोए ही नहीं थे, शाम को तैयारी करें। अब तो एक सेकंड में इसे पका लेती हूँ। मैं इसके अंदर डालूंगी ये सारे मसाले, छोटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन नहीं है सिर्फ प्याज और लहसुन है, तो अब क्या बोल सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट ही मान लो, अब लहसुन प्याज का पेस्ट बोल नहीं सकते। तो ये मैंने बन गया, अभी से दो तीन मिनट तक हम इसमें छोड़ देते हैं, पका नहीं है, थोड़ा बहुत अभी बाकी है। तो जब तक चावल जो है मेरी बहन ने चढ़ा दिए हैं, देख सकते हो बहुत ज़्यादा गर्म सा लग रहा है मुझे, पके हैं कि नहीं, ओह अभी तो उबाल भी नहीं आया है, मैं तो यूँ ही, गैस के यहाँ देखो कितनी धीमे से पका रही है, तभी तो मम्मी कहती है गैस यूँ ही ख़त्म हो जाती है रोशन। अभी इसे भून रहे हम ताकि जल्दी से अच्छे से इसका तेल जो है ऊपर को आ जाए। तो दो तीन मिनट और इसे, मतलब दो तीन पाँच मिनट और पकाएंगे हम इसे। भून चुका है आप देख सकते हो, मैं इसके अंदर ये डाल देती हूँ टमाटर, डालने से थोड़ी सी सब्जी में ग्रेवी करिए सरीदार बन जाएगी। तो ओह कहाँ दिखा रही हूँ मैं, अच्छे से बन जाएगी। अब इसे भी दो मिनट पका लेते हैं, सिर्फ दो मिनट या तीन मिनट जैसा आपका इच्छा चाहे। मेरा जो है ये मसाला बन चुका है, इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा आलू, थोड़ा सा काली सारा डाल दूँगी। और आलू डालने के बाद थोड़ा सा चला लेती हूँ, मैं एक हाथ से नहीं चला सकती सॉरी, तो मैं वीडियो में बाद में दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। पानी मैंने डाल के सब चीज़ बराबर कर लिया है, तो इसमें हम डाल देंगे नमक, एक चम्मच डाला है ताकि मुझे पता है कि कढ़ाई में कितना नमक डालना चाहिए सब्ज़ी में, क्योंकि मुझे पता रहता है कि इसी में ही खाना बनाती रहती हूँ मैं। तो सब्ज़ी में जो है अभी एक उबाल आना बाकी है, सब्जी देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है कलर इसका, मुझे मरम दिख भी रहा है कि नहीं, हाँ ठीक ही है, लाइट के हिसाब से देख लेता ही अच्छा है, फिर इस बाद में पता चलता है क्योंकि नमक वमक डाल के तो मैंने सब देख लिया है। सो मिलते हैं दो मिनट बाद। गाइस आप जैसा कि देख सकते हो सब्जी बहुत अच्छी बनी हुई थी, मैंने तो खा भी ली, मैंने दिखाया नहीं क्योंकि शाम का रात का खाना है, तो सब्जी रेसिपी घर पे भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सिंपल बनता है। मेरे पास अदरक लहसुन तो नहीं था लेकिन लहसुन और प्याज से बना दिया था मैंने इसमें, फिर भी अच्छा बना, काफ़ी अच्छा बना। सैमिन कैसे करते हैं बताओ, हंस के दिखाओ। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टाटा टाटा एंड बाय बाय। कैसे 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 दोबारा करता दोबारा करता दोबारा करता।